आज माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। दिन भी बहुत अच्छा है, मतलब रोज़ा हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, अभी भी हमारी लाइट है ये गायब है और गैस अभी है नहीं हमारा। चलें जी, मैंने बहुत बार कोशिश चेक किया कि गैस होगा, गैस बट गैस नहीं अभी तक, ये देखें गैस नहीं आया। चलें जी गैस आता फिर खाना पकाने की तैयारी करते हैं। मेरे बच्चे आज दस दस घूम रहे हैं, मम्मा पापा ने हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से रमज़ान का बरकत वाला, रहमत वाला, खुशी वाला, रौनक वाला महीना आ चुका है। माशाल्लाह आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों का आसान करे। ये महीना खैर बरकत आफियत वाला गुजरे और अल्लाह पाक हर किसी के घर में बरकत दे, हर किसी के दस्तखान में बरकत दे और खुशहाली दे, आमीन। जो मुश्किल परेशान अल्लाह पाक दूर फरमाया। देख सकते हैं अभी तक हमारा गैस नहीं आया, ये देखें गैस नहीं आया। टाइम देखें क्या हो रहा है, 4 में से 10 काम है। अभी हमारी लाइट भी चली जाएगी। अहसान चन को मैंने अभी अभी सुलाया है और ये माशाल्लाह से पहला रोज़ है। देखते हैं मेरा ये लोग आज कंप्लीट होता है या कल कंप्लीट होता है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं। ऊपर से प्लेट चले मैंने पहले बॉयल करके रख दिए थे, इससे बोलते हैं कि रमज़ान से पहले कुछ प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। तो मैंने पहले छोले बॉयल करके रख दिए थे और टमाटर का पेस्ट मैंने पहले बना के रखा, जो है टमाटर हो चुके महंगे और धनिया पहले 10 की 2 3 4 तक मिल रही थी। धनिया 20 रुपये का धनिया करते हैं, मिर्ची को 80 रुपये मिल रही है अभी। और दूध लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ, चिकन लेके आई हूँ। जैसे गैस आता तो सारा खाना बनाने की तैयारी करूँ। और अभी टैंग भी बनाना है या रोबसा बनाना अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि गैस आए तो मैं उसकी चीनी हल करूँ और जल्दी से सारी खाना बनाने की तैयारी करूँ। और कुछ मैंने सोचा छोले आलू की चाट बनाऊँ, उसके लिए आलू बॉइल करना, प्याज पकौड़े रेडी करना, मसाला बेसन तो ये मेरे पास रखा है। कुछ पकौड़े बनाऊँगी, कुछ बच्चों के आलू वाले बनाऊँगी और छोले भून लूँगी आलू के साथ। छोले आलू की चाट बनाऊँगी, पापड़ फ्राई करूँगी। तो पापड़ इसके अंदर घर लेते हैं, मैं आम दिन में बच्चों को बना के देती रहती थी पापड़, तो मैं में पापड़ का डब्बा ये जार फिल कर लेती हूँ। और कुछ रमज़ान आ रही है तो मैंने ये बर्तन वगैरह निकाले थे, रमज़ान चली जाते मैं दोबारा देती हूँ। फिर से मैंने बर्तन कटोरे प्लेट वगैरह निकाल लिए, अपने किचन के हिसाब से मैं चलती हूँ। चले जी, सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपना काम वगैरह निपटा, जितना हो सके इबादत करें। लेकिन ये कि गैस आ ही नहीं रहा, कब से हमने सारे काम निपटा लिए, तस्बीह वगैरह पढ़ ली, लेकिन अभी तक गैस नहीं आया। ओके बस यहाँ पर मैंने पापड़ वगैरह भर लिए, इसके अंदर आलू निकाल लिए, इमली निकाल लिए। ये माशाल्लाह से रंग बिरंगी कलरफुल सा रमज़ान हो जाता है। ऐसी हर चीज़ कलर, तरह तरह के कलर होते हैं, बोलते हैं हम अपने रब की कौन कौन सी नमतों को छुटलाओगे। भी माशाल्लाह से और कलर हैं और रंग ये पता नहीं किस किस कलर के लफाफे हम लोग सब्जियां फल उतारे हैं। फल भी माशाल्लाह आज की रेट बहुत हाई जा रहे हैं और गैस है नहीं, कोई बेचारा बीमार हो, बुजुर्ग हो, बच्चे, उनके पता नहीं कैसे सहरी नाश्ता, मतलब उनके नाश्ता वगैरह कैसे होते होंगे, रोटी भी किसी का परहेज का भी होता है। बस अल्लाह पाक रहे नहीं फरमाए हम लोगों पर ना, बस अल्लाह पाक की फादत पर हमारे मुल्क की। चलिए जी, हम और कुछ नहीं बोल सकते, जल्दी से मैं अपनी मोबाइल रखूँ, अपनी बराबर से तैयारी शुरू करूँ, क्योंकि अजान चल मुश्किल है, अजान का भी उठ के आ जाएंगे, इससे पहले अपनी सारी तैयारी कम्प्लीट कर लूँ। और लाइट का भी कोई अता पता नहीं है, गैस का भी कोई आइडिया नहीं, जल्दी से मिली भिगो देती हूँ और गैस अल्लाह करें जल्दी से आ जाए। 4 बजे अभी तक गैस नहीं आया, क्या करें, बस ये कर सकते हैं, दूध इस्तेफारी कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। ओके बस फाइनली हमारा गैस अभी आ चुका है 4 बजे। अभी बस मैं जल्दी से यहाँ पकौड़े बनाने का मसा सामान रेडी कर लेती हूँ, पकौड़ों का पेस्ट बना के रख देती हूँ, इमली भी गोदी है। और यहाँ पर मोहम्मद किचन में आए, मोहम्मद पता नहीं क्या हो रहा है, अजान ऊपर से होगा ना इसलिए, और रमज़ान में तो इसके लिए मैं छुरी भी लेके आ गई थी, ये रमज़ान में छोटी मोटी चीज़ें भी आती रहती है, तो इसलिए बोलते हैं रमज़ान बाबर तरक्की बरकत वाला महीना है। चलिए जब जल्दी से मैं यहाँ पर चटनी बनाऊँगी, पकौड़ों का मसाला रेडी करूँगी और छोले बनाऊँगी, बाद में सालन बनाऊँगी और जल्दी से दूध गर्म हो जाए। मम्मा वहाँ पानी रखा हुआ है, मैं वहाँ पर साफ करके बोलेंगे मुझे यहाँ पर बिठाया मम्मा। ओके बस अभी तक देख सकते हैं, अभी कोई मैंने तैयारी मुकम्मल नहीं की, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके बस टाइम ले गया बहुत कम और यहाँ पर मैंने चिकन आलू का सलाद रेडी कर लिया है, साथ में रोटी भी मैंने यहाँ पर रेडी करके रख दी है, धोने का नज़र आ रहा होगा। और सेवी के लिए आटा भी भून के रख दिया है, बस ये यहाँ पर बस प्याज अभी तो पकौड़े रेडी कर ली हूँ, छोले की चने आलू की चाट रेडी कर ली है और साथ में बच्चों के लिए नमकीन आलू जो बनाना होता है वो बना रही हूँ। और टाइम 6:05 ये मैंने मेरे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, सब्जा लेके बैठा हुआ। ओके बस मैंने यहाँ पर पकौड़ों का बटर रेडी करा, यहाँ पर आलू रखे, यहाँ पर आलू भी कट करके रख लिया, किचन खा दे से इतना गंदा दिख रहा हो रहा है। मैंने ऑयल गर्म रखा है, ऑयल गर्म हुआ जब तक मैं बर्तन वगैरह सिमट देती हूँ, जितना काम हो सके इतना बेहतर है। छुरी में सोच इतनी तेज़ है, छुरी इतनी तेज़ है, पूरे मेरा अंगूठी की हालत ख़राब करती छुरी मेरी, ऐसे कट लगे ऐसे तकलीफ हो गई।
फिर बस मैं जल्दी से पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, तो टाइम बहुत कम रह गया है, अच्छा काम लग सकते हैं। और बच्चे बाहर मेरे पापा के सारे शरीर में मिलते हैं बस खाते। ओके बस मैंने पकौड़ में ना सोडा ऐड की ना बेकिंग पाउडर ऐड किया, फिर भी देखो मेरे पकौड़े कैसे फूले फूले से बन रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारे माशाल्लाह पकौड़े फूले हुए, आलू की फुलके भी फूली फूली सी बनी है। और पापा चले आ गए मोहम्मद को लेने बाहर गए थे एकदम को। ओके बस माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा है, क्योंकि माशाल्लाह मैंने चले ली सारी तैयारी वगैरह कर ली, फ्रूट और चना चावल के चबस चटनी बनाने रह गई, चटनी का सामान किचन में रह गया, और रोज़ा खुलने वाला है। हस्बैंड जी उन्होंने जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर टेंशन बना के रखा था मैंने जल्दी से फ्रिज में और केचप है। तो चलें जी आज का रोज़ा बस होने वाला है, मतलब माशाल्लाह से हो रहा है, और यहाँ मोहम्मद अपना टैंक भर रहे हैं। चलें जी बस जल्द करके रोज़ा इफ्तार होने में। ओके गाइस, ओके बस माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा रमज़ान शरीफ 2024 का इफ्तार हो चुका है, और अभी हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया माशाल्लाह से। अभी मेरे बच्चे भी दोनों मेरे साथ हैं, तो मुझे रोज़ा इफ्तार करने मज़ा आ रहा है, वरना शहर में मोहम्मद अजान मेरे साथ नहीं थे तो अजीब अजीब सा लग रहा था। इस टाइम माशाल्लाह दोनों उठे हुए हैं। ओके गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक ऐसे सबके घरों में बरकत दे, आपके घर में, आपके दस्तखान में, आपके जायके में। ओके गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में खास खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर से। ओके बस ये देखिए मेरे बच्चों के काम, ये देखिए अजान क्या कर रहे हैं, मोहम्मद क्या कर रहे हैं, रोज़ा इफ्तार हो चुका है, बहन पापा जाने नमाज़ पढ़ रहे हैं, टाइम हो रहा है सात में से कितने 10 का, और क्या कर रहे हैं रोज़ा के शीशा से पूरे ना हटा के बेचारों का अजीब वरीब हालत कर दी है घर की, मेरी हालत देखी मेरी किचन की, और बाहर मजे की से नमाज अदा की जा रही है, अजान आवाज़ भी आ रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा और ठंडा मीठा सा हो रहा है। देखें आज यहाँ की खिड़की भी खुली है हमारे तरफ की, मैं भी अब जल्दी से 10 सारा समय की किचन में रखूँ, नमाज अदा करूँ, बाहर ठंड ठंडी हवा की चलती। ओके बस देख सकते हैं किचन की हालत है, रमज़ान में किचन की हालत रहती है, जितना मैं समेट रहा हूँ समेट नहीं आता, यही तो कहता है हर चीज़ में बरकत होती है, बर्तन में बरकत, हर चीज़ में बरकत। चले जी मैंने अपने रूम वगैरह सेट कर लिया, नमाज वगैरह मैंने अदा कर लिया माशाल्लाह। हाँ जो सूर्य वाक्या वगैरह मैं जो पढ़ती हूँ, सूर्य मुल्क, सूर्य वाक्या, सूर्य मुजम्मिल, जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली, और रूम वगैरह मैंने समेट लिया है। ये देख सकते हैं अभी अफ्तार हुई थी, यहाँ पर इन्होंने जो शरबत वगैरह गिराया था उसकी दफाई वगैरह मैंने अभी साफ़ कर दिया, फिर भी इस तरह हो रहा है। अभी मैं इस टाइम जाऊँगी बस मम्मी के पोर्शन में, अफ्तारी के टाइम भी नहीं गई थी, मम्मी घर में व्लॉग और मम्मी घर की वीडियो वो क्लिप कर बना लेती हूँ थोड़ा सा वीडियो। तो चलें जी मैंने रूम वगैरह अपना सारा समेट लिया, मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, और दोनों ऊपर हैं, ऊपर इनकी आवाज़ आ रही है, अभी जा रही हूँ ऊपर मम्मी के पोर्शन में। ये देख सकते हैं मेरा शहजादा एक सामने से नज़र आ गया मुझे, और छोटा डंगो और उसका हाथ मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए मेरे बेटे कहाँ कहाँ पहुँचे रहते हैं, हाय हाय। और ये देखें कल वाले पबजी लवर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, टोपियाँ लगा के और गेम खेला जा रहा है यहाँ पर। ओके बस मैंने बच्चों का कपड़ा वगैरह निकाले, क्योंकि इनके पापा ने कहा था आयशा मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा काम वगैरह निपटा के, तो कुछ रमज़ान की छोटी मोटी चीज़ें वगैरह होती हैं वो लेने चलेंगे। तो चलें जी अभी आएंगे, इनके पापा हमें निकालने के जानते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं, अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास में बच्चों का कपड़ा निकाले, और वो हमारा जाने ना यहीं पर खड़े हुए इनके पास भी हैं।